गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 7. ओके, सो जस्ट लुक एट फिगर 1.2. क्लोरोफिल गार्ड सेल स्टोमा एंड अ सेक्शन थ्रू अ लीफ, गार्ड सेल लीफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड स्टोमेटा देयर एंड देयर हियर इज लाइट एनर्जी सन. फिगर 1.3 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्लोरोफिलिन लीफ डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अंत में स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. पत्तियों में लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस ये बताती है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. सर्च द स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है. एक्टिविटी 1.1 टेक टू वाटर प्लांट इन द सेम काइंड, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर एंड अदर इन द सनलाइट. एक को डार्क में रखें और एक को सनलाइट में रखें. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6. जैसा कि आपने क्लास 6 में किया था वैसे आयोडीन टेस्ट यहाँ पर भी करें. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स. अब डार्क में रखने के बाद में 3-4 दिन के बाद में दोनों पौधों पर आयोडीन टेस्ट करें. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो अपने नोटबुक में लिखें. तो सिंपल है, जो डार्क में रखा हुआ है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच रहा था, इसलिए वहाँ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट आयोडीन टेस्ट में पता चल जाएगा कि नहीं है. और जो सनलाइट में रखा था वो फोटोसिंथेसिस करेगा और उसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस आयोडीन टेस्ट से पता चल जाएगी. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. जो लीव्स ग्रीन के अलावा दूसरे कलर की होती है उनमें भी क्लोरोफिल होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. ये जो लार्ज पिगमेंट होता है, लार्ज अमाउंट होता है रेड ब्राउन और अदर पिगमेंट का, वो छुपा देते हैं उसके ग्रीन कलर को. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव ऑल्सो. फोटोसिंथेसिस भी लीव्स में होती है. फोटोसिंथेसिस यू ऑफन सी स्लिमिट ग्रीन पैचेस यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन योर पॉन्ड्स. आपने स्लिमी मैंने ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स में, स्टैगमेंट वाटर में, मतलब तालाब में रुके हुए पानी में आपने देखे होंगे बॉडीज. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गाई. ये अल्गाई के कारण होते हैं ग्रीन ग्रीन पैचेस. कैन यू गेस व्हाई अल्गाई आर ग्रीन इन कलर. क्या आप बता सकते हैं कि अल्गाई का कलर ग्रीन क्यों होता है. अल्गाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अल्गाई अपना खाना खुद बना सकती है लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने अभी सीखा कि प्लांट अपना खाना बनाते हैं, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के से अपना खाना वो बनाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनाए कार्बन से हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. दिस आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड. ये यूज किए जाते हैं सिंथेसाइज यानी कि बनाने में अदर कंपोनेंट ऑफ फूड. फूड के अदर अनदर कंपोनेंट बनाने में ये यूज किए जाते हैं सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस. प्रोटीन एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंस होती है प्रोटीन में. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. कहाँ से प्लांट नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं. रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर. याद करें कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. प्लांट कैन नॉट ऑब्जॉर्व नाइट्रोजन. प्लांट जो है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं.
इन दिस फॉर्म, जिस फॉर्म में वो रहती है उस फॉर्म में उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में। कुछ बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिलीज इट इनटू द सॉइल, और मिट्टी में उन्हें रिलीज कर देते हैं। दिस सॉल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ये सॉल्युबल फॉर्म प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अलॉन्ग विथ वाटर, पानी के साथ। यानी कि क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया होता है जो गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके रिलीज कर रहा है मिट्टी में, और वहाँ वो वाटर के साथ में वो प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर लेगा। दिस सॉल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, आपने और ये भी देखा होगा कि फार्मर्स क्या है, नाइट्रोजन ऐड करते हैं सॉइल में एज अ यूजेबल फॉर्म्स, नाइट्रोजन को एज अ फर्टिलाइजर वो डालते हैं मिट्टी में ताकि डायरेक्ट नाइट्रोजन मिल जाए मिट्टी में। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, इस तरह से वो नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करते हैं फर्टिलाइजर के थ्रू। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, प्लांट उसके बाद में अदर कंपोनेंट ऑफ फूड जैसे कि प्रोटीन और फैट्स भी बनाते हैं। थैंक यू, थैंक यू।